बीजेपी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जहां अभी हाल ही में बीजेपी को तमिलनाडु से झटका लगा, तो अब उड़ीसा से भी बीजेपी के लिए बुरी खबर सामने आई है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को लगातार झटके लग रहे हैं। पुराने सहयोगियों को अपने पाले में लाने की मुहिम फेल हो गई है। AIADMK और अकाली दल के बाद अब बीजेपी को बीजू जनता दल ने बड़ा झटका दिया है। दरअसल ओडिशा में बीजेपी और बीजेडी के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही थी, लेकिन ये बातचीत टूट गई है। बातचीत टूटने के पीछे सीटों के बंटवारे को मुख्य कारण माना जा रहा है। अब बीजेपी को ओडिशा में अकेले ही चुनाव लड़ना पड़ेगा। इसके बारे में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी। बता दें कि पिछले कुछ समय से ओडिशा के CM नवीन पटनायक की पार्टी के NDA में शामिल होने को लेकर काफी अटकलें थी, लेकिन अब प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के बयान के बाद ये साफ हो गया है कि ओडिशा में बीजेपी और बीजेडी एक दूसरे के खिलाफ मुकाबला करेंगे। क्योंकि ये माना जा रहा था कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद कांग्रेस को जो मजबूती मिली थी, उसका सामना बीजेडी और बीजेपी नहीं कर पा रहे थे, और कांग्रेस के दबाव के चलते ही दोनों साथ साथ आने को मजबूर हुए थे। लेकिन सीट बंटवारे पर बात नहीं बनने के चलते अब दोनों ही अलग अलग लड़ रहे हैं, जिसके बाद कांग्रेस को बड़ा फायदा मिलना तय माना जा रहा है। आपको बता दें कि ओडिशा में 21 लोकसभा और 147 विधानसभा सीटें हैं। राज्य में लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ साथ कराए जा रहे हैं। DB लाइव की रिपोर्ट।